में बहुत सारा पानी है। कश्ती में बैठते वक्त कुछ डर सा लग रहा था, क्योंकि ऐसी कश्ती में मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा था। लेकिन जैसे ही कश्ती चलना शुरू हुई तो मेरा कुछ कुछ डर कम हो गया, बल्कि खत्म ही हो गया और मुझे मजा आने लग गया। फिर तो मैंने खूब एंजॉय किया। ये दरियाए रावी की कश्ती में मेरा पहला सफर है, क्योंकि पुल के ऊपर तो अक्सर ही गुजरते रहते हैं, लेकिन कभी नीचे नहीं आए थे। कश्ती जब दूसरे किनारे पर पहुंचने लगी तो मैंने सामने कुछ लोगों को देखा जो मछलियां पकड़ने आए हुए थे। वो कांटे पानी में डालकर बैठे हुए थे और मछलियों का इंतजार कर रहे थे। जब हम कश्ती से उतरकर दूसरे किनारे पर गए तो वहाँ तो यार बहुत ही प्यारा नजारा था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, बहुत घने घने दरख्त थे। मैंने 12 दरी की सैर की। मैं वहाँ जाकर बहुत खुश हुआ। वहाँ तो हर तरफ चीजें बहुत ही प्यारी लग रही थी। 12 दरी में मैंने बहुत सारी दौड़े लगाई, कभी इधर जाऊँ कभी उधर जाऊँ। वहाँ पे बहुत बड़ा सा तालाब था। मैंने तालाब के इर्द गिर्द भी सारे चक्कर लगाए। वहाँ घने घने दरख्त थे, बहुत पुराने, बल्कि 100-100 साल पुराने। बड़े प्यारे प्यारे फूल थे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन था बहुत प्यारा। वहाँ और भी काफी लोग आए हुए थे। कुछ लोग तो घूमने फिरने आए हुए थे और कुछ लोग क्रिकेट खेलने आए हुए थे। मैंने भी वहाँ पर ताज़ा हवा में खूब एंजॉय किया। वहाँ तो ऐसे बादल भी छाए हुए थे और मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। फिर वहाँ बारिश भी शुरू हो गई। वहाँ तो बारिश भी बहुत अच्छी लग रही थी। जब बारिश शुरू हुई तो हम दरख्तों के साए में आ गए। तालाब के पानी में बारिश गिरती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने तो वहाँ बारिश भी खूब एंजॉय की। जब बारिश कुछ कम हुई तो हमने वापसी का इरादा किया। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने गौर किया कि सीढ़ियाँ बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई हैं। इन पत्थरों पर चढ़ना तो आसान था, लेकिन उतरते वक्त एहतियात करनी जरूरी थी। मैं वापसी पर भी बड़ा खुश था, क्योंकि कश्ती पर ही वापस जाना था। जाओ भी कश्ती में, आओ भी कश्ती में, कितनी मजे की बात है। क्योंकि कश्ती में बैठे पानी की लहरें बहुत अच्छी लग रही थीं। पानी बड़ा गहरा था और बहुत तेज चल रहा था। मेरा तो दिल था रास्ता खत्म ही ना हो, लेकिन यार खत्म ही हो गया। और फिर मुझे नीचे उतरना पड़ गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। बताएं, आपने भी मेरे साथ खूब सैर की ना? अगर आपको मेरे साथ सैर करने में मज़ा आया है तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।